देखो भाई, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने एंजल वन एप्लीकेशन में कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहां पर एंजल वन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद में अब हमें यहां पर निफ्टी हो रहा है और बैंक निफ्टी हो रहा है और नीचे हमारा स्टॉक्स हो रहा है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सब में एक ही तरीका होता है। तो चलिए मैं यहां पर निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं यहां पर निफ्टी पर क्लिक करता हूं। निफ्टी पर क्लिक करने के बाद में इंडेक्स में आ जाऊंगा, फिर उसके बाद में यहां पर चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है, अब मैं यहां पर क्लिक कर दूंगा। यहां पर क्लिक करने के बाद में अब मुझे यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। यहां पर क्लिक करने के बाद में अब हमारा यहां पर देखेंगे कैंडल्स हो रहा है, और फिर उसके बाद में अब हमें यहां पर थोड़ा सा जूम कर लेना पड़ेगा। तो जूम करने के बाद में यहां पर हमारा कैंडल जो है बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना है कब मार्केट हमारा नीचे आया था और किस कैंडल पर हमारा ऊपर गया। जैसे कि देखिए, यहां पर नीचे आया फिर ऊपर गया है, फिर यहां पर नीचे आया फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर हमारा यहां पर ऊपर गया, फिर नीचे आया है, फिर हमारा यहां पर ऊपर गया, फिर नीचे आया है, यहां पर देखिए फिर नीचे आया, फिर हमारा यहां पर ऊपर गया है। अब देखिए, इतना हमारा तो दिख रहा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसे में नहीं समझ में आता है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर इस पर एक टैप करना पड़ेगा, टैप करके होल्ड करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको क्रॉस जैसी लाइन दिखाई देगी। अब उसके बाद में इस क्रॉस जैसी लाइन को यहां पर ले आना पड़ेगा, ताकि हमारा जो ये नीचे वाला है, जहां जहां हमारा मार्केट नीचे आया था वहां पर हमारा कितना पॉइंट मिल रहा है। जैसा कि देखेंगे, हमने जहां पर ला दिए तो हमारा कई पॉइंट मिल रहा है, जैसा कि एक पॉइंट यहां पर मिल रहा है, दूसरा पॉइंट यहां पर मिल रहा है, तीसरा पॉइंट हमारा यहां पर मिल रहा है, चौथा पॉइंट यहां पर मिल रहा है, पांचवा पॉइंट यहां पर मिल रहा है, छठवां पॉइंट यहां पर मिल रहा है। तो अब हमें यहां पर सपोर्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब उसके बाद में सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए यहां पर क्लिक करना है, फिर उसके बाद में आपका पहले तो ऐसे रहेगा ना, सबसे पहले तो ऐसे रहेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक ब्लू कलर का ऑप्शन दिख रहे हैं, अब हमें यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। यहां पर क्लिक करने के बाद में इस पर हमें क्लिक करना है, फिर ट्रेंड लाइन का एक ऑप्शन आएगा, अब हमें यहां पर क्लिक करना पड़ेगा। यहां पर क्लिक करने के बाद में अब हमें सीधे सी बात है यहां पर ले आना पड़ेगा। अब हम यहां पर लाएंगे, अब सबसे पहले तो हमें यहां पर देख लेना कि हमारा पूरा ये जो ब्लू लाइन है ये टच कर रहा है कि नहीं टच कर रहा है। तो यहां पर देखिए, अब हमारा ये देखें, हमने यहां पर ला दिया है, तो एक ब्लू लाइन हमारा यहां पर भी टच कर रहा है, यहां पर भी टच कर रहा है, सब जगह टच कर रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब एक टैप करना पड़ेगा, तो यहां पर सर्कल बन जाएगा, और फिर उसके बाद में यहां पर हमें कुछ इस टाइप में ड्रॉ कर लेना पड़ेगा। अब यहां पर ड्रॉ कर लिए हैं, अब ड्रॉ करने के बाद में एक टैप कर देना पड़ेगा, तो अब हमारे यहां पर ड्रॉ हो गया है। अब फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। अब रेजिस्टेंस पे ड्रॉ करने के लिए यहां पर क्लिक करना पड़ेगा, और फिर से ट्रेंड लाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो सबसे पहले यहां पर क्लिक कर लेंगे, तो यहां पर क्लिक करने के बाद में अब हमें यहां पर इसको फिर से यहां पर ले आना पड़ेगा। तो यहां पर फिर से हम ले आते हैं, तो यहां पर देखेंगे हमारा ट्रेंड लाइन फिर से एक बन रहा है। जैसे कि ये देखेंगे, हमारा एक यहां पर भी टच हो रहा है, फिर यहां पर भी कैंडल टच हो रहा है, यहां पर थोड़ा टच हो रहा है, और फिर इसके बाद में यहां पर भी टच हो रहा है, यहां पर भी टच हो रहा है, थोड़ा सा 19-20 हो सकता है भाई यहां पर। अब उसके बाद में यहां पर फिर से एक बार टैप कर देंगे, टैप करने के बाद में फिर से हम यहां पर एक ट्रेंड लाइन कुछ इस टाइप में ड्रॉ कर देंगे। अब चलिए, यहां पर हम ड्रॉ कर दिए, एकदम सीधी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये जो ब्लू लाइन है इसके बीच बीच ड्रॉ होना चाहिए। अब इसके बाद में यहां पर ड्रॉ कर देंगे। अब चाहे तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, हो सकता है आप में जब भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आपका यहां पर इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप में आपका ट्रेंड लाइन, इतनी पतली ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो तो यहां पर पतली ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो तो आपको नहीं दिखाई दे। तो अब आपको यहां पर क्लिक करके इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके यहां पर क्लिक कर देना पड़ेगा, ताकि आपकी ट्रेंड लाइन अच्छे तरीके से ड्रॉ हो। और यदि आप यहां पर कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके आप चाहे ग्रीन करना चाहते हैं तो ग्रीन भी कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, हमने ग्रीन कर दिया है। तो बेसिकली ये हमारा क्या बता रहा है कि हमारा मार्केट जो है इसी ट्रेंड लाइन में हमारा चल रहा है, क्योंकि देखिए यहां पर हमारा मार्केट यहां से ओपन हुआ तो फिर से यहां पर रेजिस्टेंस को टच किया। एक बात मैं आपको बता दूं, जो ऊपर रहता है वो हमारा रेजिस्टेंस रहता है, और जो हमारा नीचे रहता है वो हमारा सपोर्ट रहता है। यानी कि मार्केट हमारा इतना तक आया, फिर से सपोर्ट बना के फिर से ऊपर गया। मतलब ये समझिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का, कि मतलब यहां पर बायर बैठे हैं और ऊपर सेलर बैठे हैं, रेजिस्टेंस पर सेलर बैठे हैं और यहां पर सपोर्ट पर हमारा बायर बैठे हैं। तो अब हमारा क्या करना पड़ेगा, यहां पर जैसे कि यहां पर मार्केट जाने की ऊपर कोशिश किया, फिर यहां तक गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहां पर हमारा जाने की मार्केट कोशिश किया,
फिर यहीं तक गया, फिर नीचे आ गया, फिर यही मतलब होता है कि भाई बायर और रेजिस्टेंस। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जाने का मतलब कि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पर सेलर फिर से यहाँ पर मार्केट को नीचे ला दिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्केट हमारा थोड़ा सा ऊपर गया था, सपोर्ट मतलब कि रेजिस्टेंस लाइन को थोड़ा सा हमारा कैंडल जो है ऊपर ड्रॉ हुई है, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं ड्रॉ हुई है। ये भी कैंडल देखेंगे हमारा रेजिस्टेंस में टच हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमारा ऊपर नहीं गया। लेकिन जैसे यहाँ पर मार्केट हमारा ये सपोर्ट को ब्रेकआउट किया, तो हमारा ये मार्केट बहुत ही अच्छे तरीके से, मतलब कि यहाँ पर देखेंगे तो 17,629 चल रहा था, तो यहाँ पर नीचे गया था हमारा 17,516, यानी कि 100 पॉइंट हमारा नीचे गया था जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को हो सकता है आप यहां पर रिपीट करके देख लीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा। अगर तब पर भी नहीं समझ में आता है तो आप अपने चार्ट पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। केवल आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। अब आपको यहां पर देखना है कि सपोर्ट पर यहां बायर बैठे हैं और रेजिस्टेंस पर यहां पर सेलर बैठे हैं। बायर और सेलर जो है मार्केट को ऊपर और नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो भाई हमने यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना बता दिया है, लेकिन शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले खुद पर एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिएगा कि कौन सा स्टॉक्स हमें इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट रहेगा कि नहीं बेस्ट रहेगा।